काफी लोगों को होम वर्कआउट बहुत बोरिंग लगता है, बट थोड़ा सा इनोवेटिव होके हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज मैं अपना स्केटबोर्ड यूज कर रहा हूँ फॉर लोअर बॉडी और अपर बॉडी वर्कआउट, तो चलिए करते हैं। पहला वर्कआउट है फॉरवर्ड लंजेस, जो कि एक यूनिलेटरल वर्कआउट है क्योंकि इसमें हमारा सिंगल लेग टारगेट होता है। ये बहुत अच्छी वर्कआउट है और हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको आप हर एक साइड के लिए 10-10 रेप्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स लंजेस, जो कि फॉरवर्ड लंजेस का जस्ट ऑपोजिट है। उसके बाद है साइड टू साइड लंजेस, ये हमारी आउटर थाइज और एब्डक्टर मसल्स पे काम करती है। ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट है हमारे लोअर बॉडी के लिए, आप इसको जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। साइड स्लेट दिखने में थोड़ा आसान दिख सकता है, बट ये वैसा है नहीं। आप जब भी करते रहेंगे इसको, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी नीज बेंड ना हो। ये हमारे इनर थाइज और एबडक्टर मसल्स के लिए बहुत अच्छी वर्कआउट है। नेक्स्ट वर्कआउट है हैमस्ट्रिंग कर्ल, जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है। ये वर्कआउट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी हिप नीचे ना हो, और ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। सो 15-20 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। वॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स काफ़ी इजी वर्कआउट है, आप इसकी 20-30 रेपिटेशन कर सकते हैं। स्क्वाट्स की थोड़ी नेक्स्ट लेवल जाते हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे पिस्टल स्क्वाट। इस एक्सरसाइज से हमारा लोअर बॉडी वर्कआउट खत्म होता है, अब जाते हैं अपर बॉडी वर्कआउट पे। पाइक टू प्लैंक वर्कआउट में आपको अपना कोर एंगेज करके रखना पड़ेगा, नहीं तो स्केटबोर्ड आगे निकल सकता है। अपर बॉडी वर्कआउट्स में आपको अपना कोर सारे एक्सरसाइजेस में एंगेज करके रखना पड़ेगा, ताकि आपका बॉडी जो है वो स्टेबलाइज हो और आप अच्छी तरह से वर्कआउट को कर पाएं। प्लैंक जैक्स करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टोस मिडल ऑफ द स्केटबोर्ड लैंड करे, ना कि एंड में। अगर आपका टोस एंड में लैंड करेगा तो आपको इंजरी हो सकती है इससे। स्केटबोर्ड रोल आउट काफ़ी इंटेंसिव एब्स वर्कआउट है, जो
जो कि आपके एब्स मसल्स को बहुत अच्छी तरह से टारगेट करता है। इन सारे अपर बॉडी वर्कआउट्स में आपके कोर को एंगेज रखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो पाए और आप इस वर्कआउट को प्रॉपरली कर पाओ। अगर आपके घर में स्केटबोर्ड है तो ये सारी वर्कआउट आप ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे वर्कआउट्स, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।